क्या बातें हैं इनसे। आप लगा नूबड़ी के दोनों को मार दिया भाई। हैकर 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 भाई तू हैकर। चार फिर भी चल रहा भाई तू चार कैडिके। सो हे गाइस कैसे हो जाओ आप लोग। आ चुका हूँ एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ और आ चुका हूँ मिलिट्री बेस। अब आसपास ढेर सारे बंदे उतर रहे होते हैं तो उसको सबको पे लेंगे। फिलहाल कल वीडियो नहीं आ पाई थी, माफ़ करना, मुझे नहीं पता भैया, पता नहीं क्या हो गया आईपैड में, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था गेम प्ले। फिलहाल नीचे एक बंदा है, निपटाते हैं उसको। और आज की वीडियो आप लोग को क्यों देखनी चाहिए मैं पहले वो बता दूँ। भैया बहुत गंदा मेहनत किया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो प्लीज़ देखो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और लाइक भी कर दो अभी के अभी। फिलहाल यहाँ मेरे को गन तो मिलती नहीं है, एसकेएस से एक को नॉक कर दिया था। नीचे मुझे यूएमपी दिखी, स्कारल दिखी और एक बंदे के फुटस्टेप भी आ रही है। इतने में निपटाते हैं उसको। अब मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि इस बंदे के पास से मुझे हीलिंग्स वगैरह मिल जाएगी, बट कुछ नहीं मिलता। फिलहाल सामने मैंने एक बंदे को भागते हुए देखा है तो जाते थोड़ा उधर। और जो बंदे को मैंने शुरू में उतरते हुए नॉक किया था भाई, वो पता नहीं कहाँ को चला गया, शायद रिवाइव हो गया है या फिर किसी ने किल ले लिया, नहीं पता। लेकिन सामने मैंने गन फायर की आवाज़ देखी है तो भैया रश करते हैं सीधा उधर और किल वैसे मिल जाता है मुझे। तो हाँ यहाँ पे मैंने किल चोरी कर ली और इस बंदे का नेट वैसे बहुत गंदा चल रहा होता है, इसलिए ये बंदा लैग भी कर रहा होता है। फिलहाल टीममेट निपटा देते हैं उसको और सामने की तरफ से गन फायर भी आता है थोड़ा लूटने के लिए। जब मैं जाता हूँ तो एक बंदा वहाँ से मेरे पे फायर भी करेगा तो थोड़ा निपटाते हैं इस बंदे को भी। आगे चलना क्या हुआ? अब हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक बंदा चढ़ा देगा टावर के ऊपर और दोनों को नॉक कर देगा। फिलहाल टीममेट बगल में होता है तो रिवाइव मिल जाता है। इतने में ऊपर से घिसड़ने की आवाज आती है, देखता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है तो मॉली मारते हैं। और जैसे इस बंदे को मैं मॉली मारता हूँ सामने एक बंदा डीपी से निकलता है, गंदा तरीका से फायर करता है तो निपटाते हैं डीपी वाले को। तो फाइनली इस डीपी वाले को यहाँ पे नॉक कर दिया था। टावर पे एक बंदा था जो कि भाई बहुत खुजली मच रही है, उसको फायर कर रहा है तो थोड़ा देखते हैं उसको भी। लेकिन उसके पहले टीममेट को रिवाइव देते हैं और फर्स्ट एड लगाते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं। अब जो बंदे टावर पे होते हैं वो भाग के चल जाते हैं सी बिल्डिंग और सी बिल्डिंग से मेरे पे ही फायर कर रहे होते हैं तो थोड़ा देखते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं। और फाइनली नॉक करने के बाद सीधा रश मारते हैं बंदों को ऊपर। ऊपर मत किया क्या? अब इस बेचारे को बचाने यहाँ पे कोई नहीं आता, इसके जो टीममेट थे वो पीछे के साइड भाग चुके थे तो थोड़ा पकड़ते हैं उनको भी। और सामने स्मोक हो चुका है, इसका मतलब बंदे भी सामने और फायरिंग की आवाज भी आ रही है। क्या मर रहे भाई तू नंबर वन। ओके तो यहाँ पे जितने बंदे उतरे थे मिलिट्री बेस में सबको खत्म कर दिया था इस बॉट के साथ। तो आराम से हम लोगों ने यहाँ पे लूटा, थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह लगाया और फिर यहाँ से निकल के जा रहे जोन। इतने में सामने मुझे एक बंदा स्पॉट होता है और स्प्रे कैसा है नीचे कमेंट में बताओ तुम।
इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, इतने में सामने मुझे एक बंदा दिखता है और तुम लोगों को दिखा ना, मतलब एकदम से वो स्क्रीन पूरा एकदम अपसाइड डाउन हो गया, गाना नहीं है भाई, मतलब ऊपर से लेकर नीचे कैसे देखा ना, हिल गया पूरा एकदम। ये मतलब आप लोग के साथ में भी हुआ है क्या, नीचे कॉमेंट में बताना ये चीज़ मेरे को तुम, क्योंकि मेरे साथ में एकदम कल परसों से ऐसा हो रहा है। फिलहाल इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ जोन, सामने एक बग्गी दिखती है और देखो बस तुम ये बग्गी वाला क्या ही करेगा। और भाई का निंजा टेक्निक उसी के ऊपर लगा के भाई को कर देते हैं नॉक और लगे आता हूँ फिनिश कर देते हैं। और सामने ट्रिपल स्टोरी जो है वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि वहाँ से टैप टैप करके फायर कर रहा होता है और बग्गी वैसे ब्लास्ट करने वाला है। थोड़ा पीछे जाते हैं, बग्गी फोड़ते हैं, फर्स्ट एड लगाते हैं और देखो यहाँ पर सीन क्या होने वाला है। अब चाहता तो यहाँ से मैं फायर कर सकता था क्योंकि भाई देखो दो बंदे थे, आराम से मैं निपटा सकता था, वैसे हेल्थ कम था इसी कारण से फायर नहीं किया। फिलहाल देखो जब मैं हेल्थ लगा लेता हूँ सामने मेरे को बग्गी दिखती है और जो बंदा सामने था ट्रिपल स्टोरी से दुख दे रहा है, तो थोड़ा दुख का इलाज करते हैं इसका। किस्मत खराब, वेस्ट खराब, हेलमेट खराब, बग्गी का दोनों टायर खराब, क्या ही कर सकते हैं भैया। फिलहाल मैं बग्गी लेकर यहाँ पे रश करता हूँ, इतने में दोनों बग्गी का टायर फटा हुआ था भाई, मैं इसको टर्न ले नहीं पा रहा था, जैसे तैसे करके यहाँ पे आता हूँ, सामने बंदा था मैंने देखा था उसको, तो रश करके निपटाते हैं। और फिर से ये हिला यहाँ पे साला भाई, अर्थक्विक आ रहा है समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन इस गेम में कैसे हो सकता है ये चीज़। फिलहाल सामने बंदे की फुटस्टेप आ गई है, रश करके फिनिश करते हैं। तो फाइनली भाई को कर देते हैं यहाँ पे फिनिश, इसके टीममेट यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर से कूपर लेके बंदे गए थे वो सामने जाकर रुक जाते हैं और वहाँ से फायर कर रहे होते हैं, तो मैं रोटेशन लेकर सीधा रश करता हूँ उनके ऊपर और देखो यहाँ पे सीन। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद सामने इसका एक और टीममेट है, जाते हैं उसके तरफ। तो फाइनली इस बंदे को यहाँ फिनिश कर देते हैं, वैसे दिख नहीं रहा था बंदा लेकिन जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया इसको और लूट के यहाँ से हम लोग निकल ही रहे होते हैं। उतने में भाई यहाँ पे टीममेट बोलता है उसके पास में बंदा है और यहाँ पे एक बंदा बग्गी लेके आता है अभी, जस्ट देखो तुम। तो फाइनली इस बंदे को आप फिनिश कर देते हैं, अपनी कूपर को भी ब्लास्ट कर देते हैं, साले नज़र लगा देती है। फिलहाल यहाँ से जैसे निकल ही रहा होता हूँ इतने में यार टीममेट वगैरह नॉक होने लगते हैं और जब मैं सामने की तरफ रश करता हूँ इन लोग से मैं पूछता भी हूँ बंदे कहाँ पे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और एकदम से सरप्राइज मिलता है फायर होके। और हेल्थ की हालत देखो और सामने जोन है और यहाँ पे देखो भाई क्या सीन होगा। मैं सच बोलूँ अगर यहाँ से मैं भाग के आगे जाता तो शायद से बच सकता था, लेकिन भाई खुद के दिमाग के चक्कर में नॉक हो जाता हूँ। फिलहाल टीममेट को वहाँ से बुलाता हूँ आने के लिए और टीममेट वहाँ से आ रहा होता है। तो हाँ यहाँ पे मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हूँ मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब करना, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक है अगेन एक लाइक का है तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।